नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अब सीबीआई ने तीन नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर की गई है। हालांकि सीबीआई की ओर से दायर किए गए आरोप पत्र पर सुनवाई की अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बिहार का ये घोटाला 14 साल पहले का है। सीबीआई इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीशा यादव और हेमा यादव समेत कुछ उम्मीदवारों को भी आरोपी बना रही है। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे तब उन्होंने ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के बदले जमीन ली थी। ये जमीन लालू यादव ने अपने परिजनों के नाम पर कराई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी थी। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जुड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं है। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। जस करनी तस फल ही चाखा। लालू राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब पर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड ये लोग हो गए। ये लोग जो है नौकरी के बदले में जमीन के मामले में इन पर चार्जशीट हुआ है, तो इनकी करनी इसी तरह का था जिसका फल ये मिल रहे हैं। बहुत व्याकुलता की कोई बात नहीं है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदन को अप्रूव करने में जल्दबाजी भी दिखाई गई थी। अब देखना होगा कि सीबीआई की कार्यवाही में आगे क्या कुछ फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।